हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो ब्लैक फैब्रिक है वो मैंने 2 मीटर्स लिया है और जो दूसरा फैब्रिक है वो मैंने 1.5 मीटर लिया है। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा जो ये ब्लैक फैब्रिक है उसको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर लूँगी 7 इंचेस का, आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ पे मैं लूंगी चेस्ट पार्ट, तो चेस्ट पार्ट में लूंगी यहाँ पे 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 2 इंचेस सिंगल आर्म्स के लिए ऐड करना है। अब ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस और यहाँ पे मैं लूंगी कमर की ब्रॉडनेस 10 इंचेस। ऊपर से हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस और यहाँ पे मैं लूंगी हिप्स की ब्रॉडनेस 12 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। अब ऊपर से मैं लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 44 इंचेस, 2 इंचेस फॉर सिंगल आर्म्स। तो यहाँ से इस पॉइंट को मैं नीचे तक बस इस तरह से क्रॉस में एक्सटेंड करूंगी। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे सेंटर पे मार्क करूंगी, उसके बाद इस तरह से ये आर्म होल मैंने ड्रॉ कर लिया। नेक की ब्रॉडनेस में लूंगी 3.5 इंचेस। और लेंथ में लूंगी 4 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप बनाऊंगी। यहाँ पे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। तो ये मुझे फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट्स मिल गए हैं। अब हम ऊपर की लेयर कट करेंगे। तो ये फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से, और जो हमने ऑलरेडी कट किया था उससे मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगी। तो इसे मैं जहां पे हमारा नेक खत्म होता है उसके 1 इंच अंदर से हम इसे रखेंगे, प्लेस करेंगे, और यहां से मैं इसे ड्रॉ करूंगी। तो जो हमारी ऊपर की लेयर होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। तो इसे बस एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। तो मैं इसे नीचे तक इसी तरह से ड्रॉ करूंगी। देखिए, इसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट करूंगी और लेंथ मैंने इससे 2 इंचेस ज्यादा ली है जो हमारी ऊपर की लेयर है। आप चाहे तो सेम रख सकते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे हटा दूंगी और ये जो हमारी जॉइनिंग है इसे मैं कट कर लूंगी। तो इसी तरह से मुझे फ्रंट और बैक के लिए सेकेंड लेयर मिल जाएंगे। ये देखिए, मुझे 2 पार्ट्स मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लेस लगाऊंगी। तो इसे अंदर की तरफ एक फोल्ड करना है। ये मेरी राइट साइड ही है, इसे मैं अंदर की तरफ एक फोल्ड करूंगी, उसके बाद ऊपर में लेस रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से नीचे तक आपको इस लेस को लगाना है, एक हल्का सा फोल्ड करना है और उसके बाद लेस को लगाते जाना है नीचे तक। और जो हमारी बैक साइड है उसको मैंने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर दिया है। तो मैं लेस सिर्फ फ्रंट पार्ट में यूज़ करूँगी। तो ये मेरा रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर जो हमारी दूसरी लेयर है उसे मैं उल्टा रखूँगी। तो दोनों मैंने इस तरह से उल्टा रखे हुए हैं। ये जो हमारा बेस है उसे भी मैंने उल्टा रखा है और जो हमारी ऊपर की लेयर है उसे भी मैंने
रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है, और दोनों को अच्छे से मिलाऊंगी इस तरह से। और ये नेक में, पूरे नेक में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से मैंने बैक को भी अरेंज कर दिया है, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मेरी रॉन्ग साइड है, उसके ऊपर ये भी मैंने रॉन्ग रखा हुआ है, और इसी तरह से मैंने बैक को भी अरेंज किया हुआ है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी, तो बस हल्के हाथों से इस तरह से नॉचेस लगाने हैं नेक पार्ट में। नॉचेस लगाने के बाद मैं इसे राइट साइड पे टर्न कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से राइट साइड पे टर्न करना है दोनों को साथ में। तो इस तरह से ये हमारा नेक पार्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब ये मेरी दोनों राइट साइड है, ये मेरी राइट साइड है, उसके ऊपर मैं दूसरी जो हमारी बैक पार्ट है उसे मैं उल्टा रखूंगी। उसके बाद दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए मैं शोल्डर फिटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करूंगी, और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने कॉस्मिक स्ट्रिप ली हुई है, तो ये मेरी राइट साइड है, उसके ऊपर मैं स्ट्रिप को उल्टा रखूंगी और दोनों को मिलाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, और इस तरफ भी मैंने एक क्रॉस में स्ट्रिप ली हुई है, इसे मैं इसी तरह से यहाँ पे अरेंज करूँगी और एक सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी, तो बस हल्के हाथों से यहाँ पे नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है, तो बस डबल फोल्ड करते जाना है और आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दोनों आर्म होल्स तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने आर्म होल्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं फिटिंग के लिए इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करूंगी। तो यहाँ पे मिलूंगी चेस्ट पार्ट मिलूंगी यहाँ पे 19 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे बस हाफ करना है, आप चाहे तो 1 इंच ऐड कर सकते हैं लूजिंग के लिए। ये है मेरी कमर की लेंथ, और यहाँ पे मिलूंगी कमर के ब्रॉडनेस 15 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। तो देखिए यहाँ तक हमें फिटिंग करनी है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर है उन दोनों को मिलाते हुए मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी, और जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए मैं नीचे तक फिटिंग करूंगी। तो दोनों लेयर्स की फिटिंग मैं इस तरह से अलग से करूंगी, और इस तरफ में ये जो हमारा पॉइंट है इसे मैं इस तरह से नीचे तक एक्सटेंड करूँगी। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ से अलग से फिटिंग करूँगी। ये मैंने फिटिंग कर लिया है। अब मैं नीचे की बॉर्डर फोल्ड करूंगी, तो इसे मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी, और इसे भी मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने 2 इंचेस ज्यादा लिया है जो ऊपर की लेयर है हमारी। तो ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो गाइस तैयार है हमारी डिजाइनर कुर्ती, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स।
गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।